नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पीवी फैशन एंड स्टिचिंग में, जहाँ मैं बात करती हूँ फैशन ब्यूटी एंड स्टिचिंग की। और सबसे पहले तो आपको न्यू ईयर की ढेर सारी बधाइयाँ, हैप्पी न्यू ईयर 2021, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लाए, सक्सेस लाए। और आई विश कि आपकी जो भी विश हो इस वर्ष पूरी हो जाए। इस और आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, हाँ ध्यान से आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अपनी कुर्ती डिज़ाइंस, जो कि मैंने प्रिंटेड फैब्रिक से क्रिएट किए हैं। ये डिज़ाइंस मैंने खुद क्रिएट की हैं। अगर आप भी कोई कुर्ती बनवाना चाहती हैं या फिर आपके पास कोई प्रिंटेड फैब्रिक रखा हुआ है, तो आप उससे इस डिज़ाइन की कुर्तियां स्ट्रेच करवा सकती हैं, और जो कि मैंने खुद स्ट्रेच की हैं। अगर आप खुद स्ट्रेच कर लेती हैं तब तो और सोने पे सुहागा, अगर आप अपने टेलर से करवाएंगी तब भी आप ये इस डिज़ाइन की कुर्ती स्ट्रेच करवा सकती हैं। ये डिज़ाइंस बहुत ही सुंदर हैं। ये मेरा पहला डिज़ाइन, जो कि मेरा एक प्रिंटेड फैब्रिक है। ये प्योर कॉटन का फैब्रिक है, ये प्योर कॉटन का फैब्रिक है, और ये मैंने कुर्ती खुद डिज़ाइन की है। ये 3 मीटर फैब्रिक था, और मैंने इसमें ये देखिए एकदम ये बोट नेक इसमें क्रिएट किया है। बोट नेक इसमें बैक साइड भी इतना ही नेक है, और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाया है बैक साइड में। और इसे ओपन करने के लिए इसमें मैंने एक लूप ऐड किया है, ये देखिए। और यहाँ पे एक इसी से मैच करता हुआ मैंने बटन ऐड किया है, और ये पहनने पे कुर्ती काफ़ी अच्छी लगती है। और मैंने इसकी स्लीव्स 3 और 4 रखी है, मुझे अक्सर स्लीव्स इतनी ही पसंद है। और यहाँ पे मैंने स्लीव्स पे ये देखिए, ये इसकी स्लीव्स पे थोड़े से चुन्नट दे दिए हैं, जिससे कि ये पहनने पे और अच्छी लगती है। और ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन पहनने पे बहुत ही सुंदर लगती है। ये पूरी एंकल लेंथ तक है, ये देखिए ये पूरी एंकल लेंथ तक है। और मैंने इसके साइड में इसे और क्लासी लुक देने के लिए और इसकी फिटिंग अच्छी आए, इसलिए मैंने साइड में ये देखिए डोरी अटैच की है, और इसमें कुछ इस तरह के टसल्स अटैच किए हैं दोनों साइड में, ये देखिए दोनों साइड में। और हाँ, इसमें मैंने एक ये देखिए छोटा सा पॉकेट ऐड किया है, जिससे कि आप इसमें अपना फ़ोन या कुछ भी रख सकती हैं। और इससे कुर्ती का लुक बहुत ही अच्छा आ गया है, ये देखिए पॉकेट। ये कुर्ती पहनने पे बहुत ही अच्छी लगती है। ये मेरा 3 मीटर फैब्रिक था, और 3 मीटर फैब्रिक में ये फुल लेंथ तक कुर्ती मेरी कंप्लीट हो गई है। और ये मेरी सेकेंड कुर्ती, जो कि एक प्रिंटेड फैब्रिक की है, और ये भी एक कॉटन फैब्रिक है। ये भी मेरा 3 मीटर फैब्रिक था, और ये ब्लैक कलर की है, ये देखिए। और इसमें डॉट्स बने हुए हैं, प्रिंट मल्टी कलर के डॉट्स। और इसको मैंने फ्रंट ओपन रखा हुआ है, ये देखिए मैंने इसमें फ्रंट ओपन रखा हुआ है, इसमें मैंने बटन अटैच किए हैं। इसे ये फ्रंट ओपन होने के वजह से इसे आप एज ए जॉकेट भी पहन सकती हैं, बहुत ही एज ए श्रग यूज कर सकती हैं, एंड कुर्ती भी, ये देखिए। इसका गला भी मैंने एकदम छोटा सा रखा है, बैक साइड भी ऐसे ही है, और इसकी स्लीव्स पे मैंने इस तरह की डिज़ाइन क्रिएट की है, ये देखिए। ये पहनने पे बहुत सुंदर लगती है, और इसकी स्लीव्स में मैंने ये देखिए चुन्नट डाले हैं, जिससे इसका लुक और अच्छा आता है पहनने पे।
ये मेरी कुर्ती पूरी फुल लेंथ तक है, मेरे पूरी फुल लेंथ तक, और इसके साइड में मैंने पॉकेट बनाई हैं, ये देखिए दोनों साइड में मैंने इसके पॉकेट बनाई हैं। ये मेरा 3 मीटर फैब्रिक था और मेरी 3 मीटर फैब्रिक में ये कुर्ती बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है फुल लेंथ तक। और इसके लास्ट में मैंने ये देखिए इसी के कपड़े का रफ़ल अटैच किया है, जिससे कि नीचे बहुत अच्छा फ्लेयर आता है। ये देखिए, अगर आपको खुद स्ट्रेचिंग आती है तो आप इस तरह की डिज़ाइन अपनी कुर्ती में स्ट्रेच करवा सकती हैं, कर सकती हैं। अगर नहीं आती तो अपने टेलर से करवा सकती हैं। इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है पहनने पर, और ये बटन ये ओपन हो जाते हैं, एज ए शो के लिए नहीं है, ये ओपन हो जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैं इसे एज ए श्रग भी यूज कर लेती हूँ और एज ए कुर्ती भी। और ये मेरी थर्ड कुर्ती जो कि एक प्रिंटेड फैब्रिक है, और ये शायद ये फैब्रिक कुछ 3 मीटर से कम था, मेरे पास इतना ही फैब्रिक था। और ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद है, इसकी प्रिंट और इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास इतना ही फैब्रिक था तो मैंने इससे यही डिज़ाइन क्रिएट की है। ये देखिए, ये भी मेरे एंकल लेंथ तक आ जाती है, और इसमें ये काफ़ी सिंपल लग रही थी इसलिए मैंने इसमें गोल्डन कलर की ये लेस अटैच की है, इससे क्लासी लुक देने के लिए। इस लेस से ये और भी सुंदर लगती है पहनने पे। ये देखिए, इस यू शेप में मैंने इसमें लेस अटैच करवाई है, और यहाँ पे एक गोल्डन टसल्स अटैच किया है, एंड यहाँ पे स्लीव्स में भी मैंने वैसी ही लेस अटैच की है। इसकी स्लीव्स भी मैंने 3 और 4 रखी है। ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने लेस अटैच की है। मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी। ये कुर्ती पहनने पे बहुत ही सुंदर लगती है, और इसका गला मैंने बैक साइड में सिंपल गोल शेप में रखा है, एंड फ्रंट साइड में मैंने एक फ्रंट में ऐसे कट लगाया है। ये देखिए, मैंने एक यहाँ पे कट दिया हुआ है, जिससे कि इसका लुक और अच्छा आता है पहनने पे। 2.5 इंच का एक कट मैंने दिया है इसमें, और यहाँ पे मैंने इसकी फिटिंग के लिए यहाँ पे मैंने प्लीट्स दी हैं बैक साइड में, देखिए आप। ये देखिए, बैक साइड में मैंने यहाँ पे प्लीट्स दी हैं इसकी फिटिंग के लिए, और यहाँ पे मैंने चुन्नट, इसमें फ्रंट साइड में भी चुन्नट मैंने डाले हैं और बैक साइड में भी चुन्नट डाले हैं। ये देखिए, और यहाँ पे अगेन मैंने एक पॉकेट ऐड की है इसे और क्लासी लुक देने के लिए। ये देखिए, पॉकेट पे भी मैंने वैसी ही गोल्डन लेस अटैच की है जैसी कि स्लीव्स और आगे फ्रंट में थी वैसी ही, जिससे कि ये पॉकेट और अच्छी लगने लगी है, और ये पूरी एंकल लेंथ तक है। इसमें मैंने ये नीचे का फैब्रिक थोड़ा चौड़ा फोल्ड किया है, और यहाँ पे मैंने एक कट दे दिया है साइड में इसके नीचे की लेंथ में मैंने एक कट दे दिया है, जिससे कि ये चलने और उठने बैठने में बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। और ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है।
आप कमेंट में बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी कुर्ती सबसे अच्छी लगी, और मेरी और ऐसी ही डिज़ाइंस देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए। ये देखिए मेरे पास एक साड़ी है जो कि मैं अब नहीं यूज़ करूँगी, मैं इसे अब नहीं पहनूँगी, मैं इसे पहन पहन के बोर हो गई हूँ, तो मैं इससे एक कुर्ती डिज़ाइन करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे ही वो बन जाती है। और ये जो कुर्ती मैंने पहन रखी है ये भी मैंने एक साड़ी से ही डिज़ाइन की ही थी, और ये पूरी फुल घेर वाली लेयर वाली कुर्ती है, और ये जो है इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की है, और मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस लाइक करिए, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए।